उत्तराखंड में मौसम का मिजाज तल्ख है। भारी बारिश से कई जनसंपर्क मार्ग बाधित हो गए हैं। वहीं टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब 34 घंटे तक सैकड़ों वाहन फंसे हुए थे। वहीं जिला प्रशासन ने हाईवे पर यातायात सुचारू कर दिया है, जिसके बाद सभी वाहन अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। आपको बता दें कि पिछले 34 घंटे से स्वाला में पहाड़ी से मलबा आने के कारण बंद पड़े टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग को वाहनों के लिए खोल दिया गया है। हालांकि पहाड़ी से मलबा अभी भी रुक रुक कर गिर रहा है। मार्ग खुलने के बाद फंसे हुए वाहनों को सावधानी पूर्वक निकाला जा रहा है। प्रशासन की भारी मशक्कत के बाद सुबह 7:30 बजे राजमार्ग को यातायात के लिए सुचारू किया गया। जेसीबी मशीनें अभी भी मलबा साफ करने में जुटी हुई हैं। इस राजमार्ग के बंद होने से चंपावत लोहाघाट पिथौरागढ़ धारचूला का संपर्क कट गया था। वहीं भूस्खलन के बाद 6 अगस्त की रात को स्वाला अमोदी के पास मार्ग बंद हो गया था। एमके न्यूज की डेस्क रिपोर्ट।